कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं PNG ज्वेलर्स। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस संगठन को मसरत आलम भट्ट ने बनाया था। मसरत आलम 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मसरत आलम पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी फंडिंग केस में मामला दर्ज किया था। 2010 में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर देश विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के चलते उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। वर्ष 1999 में मसरत आलम कट्टरपंथी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था, जिसका सरगना सैयद अली शाह गिलानी था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में सक्रिय रूप से भागीदारी के कारण मसरत आलम कई बार जेल भी गया, जिससे उसके शुरू किए गए गुट मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को एक पहचान मिली थी। मसरत आलम 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का भी समर्थक रहा है। वर्ष 2015 में मसरत आलम ने सैयद अली शाह गिलानी के दिल्ली से कश्मीर आने पर एक रैली के दौरान पाकिस्तानी झंडा लहराया था और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी की थी, जिसके दूसरे ही दिन मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कमान फिलहाल मसरत आलम के पास ही है। गौरतलब है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। घाटी की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वहाँ माहौल खराब करने वाले तत्वों समेत संगठनों पर कड़ी नजर रखी जाए और जहाँ जहाँ जरूरत हो ऐसे तत्वों और संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर हालात को काबू किया जाए।